नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी लद्दाख मामले पर कांग्रेस के सवाल की, यूजीसी की नई गाइडलाइंस की, कानपुर मामले में रोज नए नए हुए खुलासे की, जानेंगे क्या प्राइवेट ट्रेनों में महंगा होगा सफर और क्या है नेपाली पीएम ओली का चीन कनेक्शन, और आखिर में बात पूर्णबंदी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर दी आरजेडी को नई तारीख, 10 जुलाई तक महागठबंधन में बने समन्वय समिति, नहीं तो हम के रास्ते महागठबंधन से हो सकते हैं अलग। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं भी निरस्त, बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट होंगे छात्र, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हरियाणा में मनोहर कैबिनेट के अहम फैसले, आईएएस की तर्ज पर होगा एचसीएस का पेपर, प्रदेश के इंडस्ट्री में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों को देनी होगी, सरकार जल्द बनाएगी एक्ट। कानपुर मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर कसा तंज, कहा योगी सरकार से नहीं संभल रहा प्रदेश, 3 सालों में प्रदेश के हालात हुए खराब। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 187 अंक की तेजी के साथ 36674 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 36 अंक बढ़कर 10800 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। लद्दाख में चीन की हिमाकत के बाद देश की सियासत में बखेड़ा खड़ा हो गया था। विपक्ष सरकार से स्थिति साफ करने की मांग कर रहा था, जिसके बाद हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोई हमारी धरती पर दाखिल नहीं हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन के जवान पीछे की ओर लौट रहे हैं। दोनों बयान पर विपक्ष तल्ख होता जा रहा है, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, भारत सरकार बार बार कह रही है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, अगर ऐसा है तो चीन 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे क्यों हट रहा है, अब वो जमीन पर दाखिल हुआ ही नहीं तो अब पीछे कहां से हट रहा है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, जब आपके बयानों में विरोधाभास देखने मिले तो ये समझ में आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो आप बातों को दबाकर छिपाकर रखना चाहते हैं या अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। फिलहाल चीन के साथ उपजे तनाव पर मोदी सरकार की स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि मई से लेकर जुलाई आ गया लेकिन लद्दाख में अपनी सीमा को लेकर सरकार देशवासियों को आश्वस्त नहीं कर पाई है कि वहां सब कुछ ठीक है। सैनिकों की दिन रात गश्त, सैन्य अधिकारियों की वार्ताओं का दौर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सीडीएस, इन सब की बैठकों के बावजूद जून में हमारे 20 सैनिक, आखिर उनको अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? और सरकार ने तब भी दावा किया था कि हमारी जमीन पर चीनी सैनिक नहीं आए, लेकिन फिर हमारे इतने सैनिक कहां और किस तरह से अपनी जान गंवा बैठे, इस बारे में सरकार से कोई जवाब देते नहीं बना। अब भी सरकार ने कहा है कि चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, तो सवाल ये उठता है मीनाक्षी कि कहां से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि सरकार के मुताबिक तो वे हमारी जमीन पर आए ही नहीं थे। अगर चीनी सैनिक अपनी ही जमीन से पीछे हट रहे हैं तो भारत को क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? सवाल यह भी है कि सरकार के दबाव के कारण चीनी सैनिक पीछे अगर हट रहे हैं या उस एरिया में जो कहा जा रहा है कि जलस्तर जो है वहां, पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, उसके कारण उन्हें अपने शिविर को थोड़ा पीछे शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो फिर रक्षा मामलों के जानकार जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं कि चीन पर एकदम से भरोसा करना नहीं चाहिए। फिर सरकार किस बुनियाद पर चीन पर भरोसा कर रही है? चीन की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं मीनाक्षी, उससे तो ऐसा लगता है कि चीन शांति की पहल का पूरा श्रेय जो है वो खुद ले रहा है और भारत से भी यही उम्मीद कर रहा है, यानी चीन भारत पर तनाव बढ़ाने का इल्जाम लगा रहा है। क्या भारत सरकार इस बात का कोई जवाब देगी और क्या ये बताएगी कि उस एरिया में अपनी संप्रभुता वो किस तरह, यानी भारत अपनी संप्रभुता किस तरह लद्दाख के एरिया में बनाए रखेगी और बचाए रखेगी? चीन से सामना हंसी खेल तो है नहीं मीनाक्षी, पहले के अनुभव यही बताते हैं कि हमें कितनी सावधानी रखनी होगी, लेकिन फिलहाल सरकार चीन को जवाब देने की जगह अपने राजनीतिक विरोधियों से हिसाब किताब को प्राथमिकता दे रही है और इसका खामियाजा कहीं देश को न भुगतना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, 100 घंटे से ज्यादा का समय निकल चुका है लेकिन विकास कहां है इसका पता नहीं लग पा रहा है। विकास तो नहीं मिला लेकिन शहीद सीओ ने थाना प्रभारी के खिलाफ एसएसपी को जो चिट्ठी लिखी थी वो जरूर गायब हो गई है। ऐसे में पुलिस जांच ही सवालों के घेरे में आ गई है। इस बीच आज एक ऑडियो क्लिप ने पुलिस की मुसीबत और बढ़ा दी। ऐसे में पुलिस की पकड़ में कैसे आएगा विकास, देखिए हमारी रिपोर्ट। कानपुर मामले के आरोपी विकास दुबे की पुलिस को तलाश है। पुलिस हर एक पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अब पुलिस विकास के करीबियों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है।
इस पूरे मामले में पुलिस ने विकास दुबे की बहू और नौकरानी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को पुलिस विभाग ने इसकी जानकारी दी। इस बीच पूरे प्रदेश में विकास दुबे के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन एक सवाल सभी के जहन में है कि आखिर पुलिस विकास दुबे को कब गिरफ्तार कर पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस महकमा ही उसका मददगार बना हुआ, क्योंकि जिस तरह से चिट्ठी का जिक्र और उसके बाद चिट्ठी का गायब हो जाना ये दर्शाता है कि पुलिस महकमे में किस तरह का खेल चल रहा। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग का सामने आना जिसमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा एसएसपी से एसएचओ विनय तिवारी की शिकायत कर रहे और एसएसपी विनय तिवारी को कॉन्फ्रेंस पर लेकर सही से काम करने की नसीहत दे रहे। उस कॉल रिकॉर्डिंग से साफ पता चल रहा है कि किस तरह से विनय तिवारी मनमानी कर रहे थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि जब तक विकास दुबे को ढूंढ नहीं लेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठे। साथ ही उन्होंने वायरल हो रही चिट्ठी और कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में कहा कि डीजीपी ने इस मामले की जांच के लिए आईजी लेवल के अधिकारी को भेजा है, जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। अब देखना ये होगा कि विकास दुबे कब गिरफ्तार होता है और पुलिस कब अपने घर के भेदियों पर कार्रवाई करती है। विकास दुबे के फरार होने के बाद से पुलिस प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में विकास कब पकड़ा जाता है और कब पुलिस महकमा राहत की सांस लेता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज देश भर में विश्वविद्यालयों के छात्रों ने राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल देश भर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर जो संशय बना हुआ था आखिरकार वो आज खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को बैठक कर फैसला किया कि विश्वविद्यालय और संस्थानों को सितंबर के आखिर तक परीक्षाएं करानी होंगी। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने ये फैसला लिया है। आयोग ने माना है कि रिजल्ट जारी करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी संभव तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा, यूजीसी के अनुसार अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य हैं, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूर एसओपी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कॉलेजों को स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन करना होगा, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क और आरोग्य सेतु ऐप जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूजीसी की बैठक में फैसला लिया गया है कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा आयोजित करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है जो शिक्षण संस्थानों पर लागू होता है। अगस्त और सितंबर के हालात अगर ठीक रहे तो विश्वविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से परीक्षाएं करा सकेंगे। इसके साथ ही अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। यूजीसी ने ये भी कहा है कि जो छात्र सितंबर में भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें विश्वविद्यालय विशेष मौके भी दे सकेंगे। यूजीसी के ऐलान से आज जहां विश्वविद्यालय के छात्रों को राहत मिली, तो वहीं एक ऐलान कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने भी किया था। वो ऐलान था भारतीय रेलवे में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने कहा कि निजी कंपनियों की भागीदारी जनता पर भारी पड़ेगी, लेकिन सरकार ने विपक्ष के तर्क को नहीं माना। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उस पर विपक्ष का तल्ख होना तय है, क्योंकि अब निजी कंपनियों को ही ट्रेन का किराया तय करने का अधिकार दिया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष जहां निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है, तो वहीं सत्ताधारी दल इस आरोप को हमेशा बेबुनियाद बताते हैं। हाल ही में जब सरकार ने रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने का फैसला लिया, तो भी विपक्ष ने आवाज बुलंद की और कहा कि इससे जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने निजी भागीदारी को रेलवे की बेहतर व्यवस्था के लिए जरूरी बताया, जिसके बाद से सवाल उठ रहा था कि प्राइवेट कंपनियां जो ट्रेन चलाएंगी उसका किराया कौन तय करेगा। लेकिन अब इसका जवाब शायद मिलता नजर आ रहा है, जिससे जनता की परेशानी बढ़नी तय है। दरअसल जानकारी के मुताबिक रेलवे प्राइवेट कंपनियों को किराया तय करने का अधिकार दे सकती है। भारतीय रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए 100 रूट्स पर 151 ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि इन ट्रेनों के संचालन के दौरान आर्थिक तौर पर हर तबके का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। खबर के मुताबिक निजी कंपनियों की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेन की बुकिंग रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए ही होगी। नेशनल ट्रांसपोर्टर की तरफ से जारी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें टिकट बुकिंग से होने वाली आमदनी को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। वहीं रेलवे में आने वाली नई कंपनियों को कुछ फायदा दिया जाएगा। पीआईएम के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों की ट्रेन खुलने के 60 मिनट बाद तक कोई भी ट्रेन उस डेस्टिनेशन के लिए नहीं जाएंगी।
हालांकि ये शर्त तब लागू नहीं होगी जब शुरू के 3 महीनों में इन ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 80% से ज्यादा होगी। प्राइवेट कंपनियों की 151 ट्रेन सबसे बिजी रूट पर चलेंगी जहां पैसेंजर ज्यादा हैं। प्रोजेक्ट के लिए कंसेशन पीरियड 35 साल का होगा। इस दौरान प्राइवेट कंपनियां कमाई में हिस्सा बांटेंगी। रेलवे का हिस्सा नीलामी की प्रक्रिया के तहत तय होगा, लेकिन इससे भार जनता की जेब पर ही आएगा। ऐसे में अब सरकार के इस फैसले पर विपक्ष क्या कुछ कहता है, ये देखना होगा। अब रेलवे में निजी कंपनियों को लेकर सरकार के फैसले पर विपक्ष क्या कुछ कहता है, ये देखना होगा। वहीं देखना यह भी है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिर कब होगा। दरअसल 2 जुलाई को 28 नए मंत्रियों की शपथ के बाद से अब तक विभागों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। बैठकों का दौर तो चला, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो आखिर क्यों विभागों के बंटवारे में लग रहा है इतना वक्त, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का बिगुल बज जाएगा, जिसमें जीत दर्ज कर कांग्रेस फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। तो वहीं शिवराज सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी मुसीबत खत्म होती नजर नहीं आ रही है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान को 2 जुलाई को अपनी नई टीम मिली, जिसमें 28 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन कैबिनेट विस्तार के करीब 5 दिन बीत जाने के बाद भी विभागों के बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझ सकी। विभाग आवंटन को लेकर फंसे पेच को सुलझाने के लिए दिल्ली में 2 दिन से मंथन चल रहा है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार का मामला जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद सुलझा था, उसी तरह मंत्रियों के बीच विभाग के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने पर काम हो रहा है। शिवराज और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच इस मामले में भोपाल में शुरुआती चर्चा हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों और सिंधिया समर्थक कुछ मंत्रियों को बड़े विभाग देने को लेकर खींचतान है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों को उनके कद और अनुभव के हिसाब से विभाग देना चाहते हैं, जबकि सिंधिया समर्थक मंत्री वजनदार विभाग चाहते हैं। वो किसी भी सूरत में कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्रियों के पास जो विभाग थे उनसे कमतर पर सहमत नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता भी अहम मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि विभागों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है जल्द होने वाले उपचुनाव, जिसमें ना तो बीजेपी सिंधिया को नाराज करना चाहती है और ना ही अपने दिग्गज नेताओं को। ऐसे में अब कैसे विभागों का बंटवारा होगा, ये देखना होगा। अब बीजेपी आलाकमान विभागों के बंटवारे में मची खींचतान को खत्म कैसे करता है और शिवराज की परेशानी कैसे दूर होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त परेशानी में तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी हैं, जिनकी कुर्सी पर आया संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच अब ओली को चीन का समर्थन भी मिल रहा है। ओली की कुर्सी पर आए संकट के समय चीनी राजदूत की सक्रियता ने इन आरोपों को और मजबूत किया कि चीन के इशारों पर नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। तो क्या है ओली का चीन कनेक्शन और ओली की कुर्सी क्यों बचाना चाहता है चीन, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में पीएम केपी ओली का विरोध बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अंदर इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। केपी ओली भी हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे उनकी कुर्सी बची रहे। और इस बीच नेपाल के पीएम को चीन का समर्थन भी मिल गया है। चीन नहीं चाहता कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ता सौहार्दपूर्ण बना रहे। नेपाल ने चीन के इशारे पर देश का नया नक्शा जारी किया, जिससे भारत और नेपाल के रिश्ते तल्ख हो गए। ओली इसके बाद भी लगातार भारत विरोधी फैसले करते रहे, लेकिन सरकार बाकी के सभी मोर्चे पर नाकाम साबित हुई, जिससे नेपाल में ओली का विरोध शुरू हो गया है और उन पर कई गलत फैसले लेने का आरोप लग रहा है। सबसे ज्यादा विरोध तो पार्टी के अंदर से ही उठ रहा है। ऐसे में जब विरोध के स्वर तेज होने लगे तो चीन मदद के लिए आगे आ गया है। चीन की पूरी कोशिश है कि ओली सरकार को सुरक्षित रखा जाए। नेपाल में चीन की राजदूत हो यांकी ने ओली सरकार से नाराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के जरिए समझौता कराकर ओली सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच नेपाल में चीनी राजदूत के मुलाकात के तौर तरीके को लेकर काफी आलोचना हो रही है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मिलने के लिए चीनी राजदूत ने नेपाल के विदेश मंत्रालय तक को किनारे कर दिया। प्रोटोकॉल को तोड़कर मनमानी करते हुए चीनी राजदूत हो यांकी नेपाल के राष्ट्रपति से मिली।
मौजूदा विवाद में नेपाल के राष्ट्रपति को चीनी राजदूत ने घसीट लिया, जिसके बाद नेपाल के सरकारी तंत्र और राष्ट्रपति ऑफिस ने भी चीनी राजदूत के हरकत पर एतराज जताया है। आपको बता दें, नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भी लगातार ओली के इस्तीफे के लिए दबाव बना रहे हैं। इस दौरान ओली ने प्रचंड से भी मुलाकात करके रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने खुलकर ओली से कुर्सी छोड़ने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि चीन इस मामले में दखल देकर ओली सरकार को बचाने की जुगत में है। और बुलेटिन के आखिर में बात पूर्णबंदी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी की। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्च के आखिर में पूर्णबंदी का ऐलान किया ताकि देश को स्वास्थ्य मुसीबत से उबारा जा सके, लेकिन इस पूर्णबंदी में आर्थिक हालात खराब होते चले गए। कामकाज ठप होने से जहां कई कंपनियां बंद हो गई तो वहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अब भले ही अनलॉक मोड में हालात सुधरने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन सीएमआईए की रिपोर्ट बताती है कि हालात अब भी बेहतर नहीं है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत को फैलने से रोकने के लिए लागू की गई पूर्णबंदी की वजह से देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गईं। हालांकि कहा जा रहा है, पूर्णबंदी में ढील मिलते ही और फिर से काम पटरी पर लौटते ही हालात सुधर रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईए के डेटा के मुताबिक मई में 2 करोड़ से ज्यादा और जून में 7 करोड़ नौकरियां आई हैं। इस हिसाब से अप्रैल में पूर्णबंदी के कारण जो 12 करोड़ 20 लाख नौकरियां गई थीं, उनमें से 9 करोड़ 10 लाख नौकरियां दोबारा आ गई हैं। हालांकि देश में अभी भी 2019-20 की तुलना में कम नौकरियां हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में देश में 40 करोड़ 40 लाख नौकरियां थीं, जबकि जून 2020 में 37 करोड़ 40 लाख नौकरियां हैं। यानी पिछले साल तक जितने लोगों के पास नौकरियां थीं, उनमें से 7.4% लोगों के पास अभी रोजगार नहीं है। वहीं सीएमआईई के डेटा के मुताबिक जून 2020 में जो 7 करोड़ नौकरियां आई हैं, उनमें से 4 करोड़ 44 लाख नौकरियां डेली वेजर्स को मिली हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी कमाई रोज होती है। इसमें छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर आते हैं, लेकिन सैलरीड क्लास लोगों की नौकरियां अभी भी नहीं लौटी हैं। 2019-20 में देश भर में 8 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे रोजगार में थे जिन्हें हर महीने सैलरी मिलती थी, लेकिन मई 2020 में इनकी संख्या घटकर 7 करोड़ से भी कम हो गई है। अप्रैल में 1 करोड़ 77 लाख और मई में 1 करोड़ 78 लाख नौकरियां सैलरीड क्लास के लोगों की ही गईं। यानी कुल मिलाकर 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सिर्फ अप्रैल और मई में ही चली गईं। लेकिन परेशानी ये भी है कि जिन लोगों की नौकरियां गईं, उनमें से सिर्फ 39 लाख लोगों की नौकरियां ही जून में आईं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि सैलरीड क्लास को दोबारा नई नौकरी मिलने में परेशानी भी आती है। ऐसे में इनकी परेशानी कब और कैसे दूर होगी, सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।